तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम MongoDB को डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना और उसे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कैसे सेटअप करना है, आज हम इस बारे में सीखेंगे और MongoDB को कैसे यूज़ करना है हम ये भी सीखेंगे। तो चलिए बिना कुछ ज़्यादा समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो MongoDB को डाउनलोड करने के लिए हमें अपना कोई भी फेवरेट ब्राउज़र ओपन करके उसमें सर्च करना पड़ेगा डाउनलोड मोंगो डीबी। तो ये जो लिख के आ रहा है MongoDB कम्युनिटी डाउनलोड, तो हमें कम्युनिटी डाउनलोड पे क्लिक करना है क्योंकि हमें दो डाउनलोड वर्जन आता है, एक MongoDB इंटरप्राइज सर्वर एंड MongoDB कम्युनिटी सर्वर। तो हमें क्या लेना है, हमें MongoDB कम्युनिटी सर्वर लेना है जो कि ज़्यादातर रिकमेंडेड रहता है नॉर्मल यूज़र के लिए, और ये ऑटोमेटिक हमारा कौन सा ओएस है वो डिडक्ट कर लेता है। अगर आपका नहीं डिडक्ट किया तो आप ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आपका कौन सा ओएस है आप उस पर सेलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा विंडो है, मैं विंडो पे क्लिक करूँगा, विंडो का फाइल फॉर्मेट MSI या ZIP वो सेलेक्ट करूँगा, मैं MSI रहने दूँगा और डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लूँगा। और ये करंट वर्जन जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक ये MongoDB वाले ने रखा है, मैं उसे बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दूँगा। क्लिक करके इसे डाउनलोड करूँ तो आप यहाँ देख सकते हो 274 MB की फाइल है। तो मैंने इसे पहले से ही डाउनलोड कर लिया इसलिए मैं इसे डाउनलोड नहीं करूँगा। डाउनलोड होने के बाद आपको कुछ ऐसा आइकन दिखाई देगा, आप इस जैसे आप सभी सॉफ्टवेयर में डबल क्लिक करके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, सेटअप करते हैं उसको, सेम आप इस पर भी डबल क्लिक करोगे और आपका सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। विंडो इंस्टॉलर प्रिपेयरिंग, अभी ये नेक्स्ट नेक्स्ट का ऑप्शन पूछेगा क्योंकि ये सेटअप है, एक्सेप्ट करना है या आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आप सिंपली कंप्लीट पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहेगा, सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करना है आपको। और अगर आप चाहते हो कि मेरे हिसाब से ये सेटअप होए तो आप कस्टम पे क्लिक कर सकते हो कि मैं बाय डिफ़ॉल्ट वाला ही रहने दूँगा, ये जैसी सेटिंग है आप वैसे रहने देना। और उस पर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पहुँच जाओगे, आप यहाँ नीचे देख सकते हो कि यहाँ छोटा सा कुछ इंस्टॉल MongoDB कंपस। अगर आपको MongoDB का एक कंपस आता है अगर आपको चाहिए, लाइक आप देख सकते हो MongoDB कंपस क्या है, MongoDB कंपस एक लाइक जैसे आप SQL चलाते हो, नहीं भी चलाते होंगे निखिल, आप इस इमेज में देख सकते हो कि MongoDB कंपस क्या है। लाइक हमें GUI इंटरफेस, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस देता है, लाइक क्या क्या डेटाबेस स्टोर है, कुछ ऐसा यूज़र इंटरफेस देता है MongoDB कंपस हमारा। और अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। अगर आपको आपका डेटा जो भी आप डेटा स्टोर कर रहे हो वो आपको GUI में देखना है तो आप MongoDB कैंपस का यूज़ कर सकते हो। ज़रूरत नहीं है, अगर आप को फिर भी लगे कि मुझे MongoDB कैंपस चाहिए तो आप इस पर सिंपली चेक करके आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए मैं उस पर अनचेक करूँगा और नेक्स्ट मार दूँगा। सेटअप कंप्लीट हो गया है, क्लिक टू इंस्टॉल और ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ये यस नो का ऑप्शन पूछ रहा है, मैं यस पे क्लिक करूँगा, देख लेते हैं MongoDB क्या है। MongoDB इज अ सोर्स अवेलेबल ग्रोस प्लेटफॉर्म डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस प्रोग्राम क्लासीफाई एज अ नो SQL डेटाबेस प्रोग्राम। MongoDB यूज जेसन लाइक डॉक्यूमेंट एंड ऑप्शनल स्कीमा। लाइक SQL में हमें क्या रहता है, SQL में अपना टेबल रहता है, रो रहता है, कॉलम रहता है, तो MongoDB में ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए इसको नो SQL फॉर्मेट बोलते हैं। ये डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस प्रोग्राम है जो कि जेसन फॉर्मेट का यूज़ करता है डेटाबेस को स्टोर करने के लिए, इसमें स्कीमा भी होते हैं। और देखिए यूज़ फॉर MongoDB इज अ डॉक्यूमेंट डेटाबेस बिल्ड ऑन अ स्केल आउट आर्किटेक्चर दैट हैव बिकम अ पॉपुलर विद अ डेवलपर ऑफ ऑल काइंड्स हु आर बिल्डिंग अ स्केलेबल एप्लीकेशन यूजिंग है। MongoDB काफ़ी पॉपुलर है उसके डेटा स्ट्रक्चर की वजह से, मतलब किस तरह वो डेटा को
स्टोर करता है लाइक जेसन फॉर्मेट में, बहुत ही इजी हो जाता है डेवलपर को समझना कि हमें उस डेटा को एक्सेस कैसे करना है। इसकी क्वेरी भी बहुत ही आसान होती है। हम आगे सीखेंगे कि इसकी क्वेरी कैसे हम लिखेंगे, अपने डेटा को कैसे एक्सेस करेंगे, डिलीट करेंगे, लाइक क्रूड ऑपरेशन हम आगे सीखेंगे MongoDB में कैसे किया जाता है। तो आप देख सकते हो कि इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, मैं फिनिश पे क्लिक करके इसे बंद कर दूंगा। आपको देखना है कि आपका MongoDB चल रहा है कि नहीं, तो उसके लिए आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे और लिखोगे टास्क, या तो आप कंट्रोल शिफ्ट एस्केप का बटन दबा के डायरेक्टली टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हो। और प्रोसेस में आपको दिखेगा MongoDB डेटाबेस सर्वर जो कि बैकएंड में रन हो रहा है। आपको सिंपली CMD ओपन करना है और वहाँ लिखना है मोंगो। मैं यहाँ मोंगो लिखता हूँ तो यहाँ MongoDB का अपना जो सेल होता है वो ओपन हो जाना चाहिए, मतलब जो भी क्वेरी है मैं यहाँ से मार सकता हूँ, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये क्या बोल रहा है, MongoDB इज़ नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। तो उसके लिए इसका मतलब क्या है, जो हमारा विंडो का इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है उसमें ये ऐड नहीं हुआ है MongoDB, तो हमें अभी इसे मैनुअली ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए हम अपने सिस्टम वेरिएबल में MongoDB को ऐड करने के लिए हम जाएंगे अपने सी डिस्क में, प्रोग्राम फाइल में, प्रोग्राम फाइल के अंदर MongoDB सर्वर 5.0 जो भी वर्जन है, और बीम, इसका फाइल पाथ कॉपी कर लेंगे। उसके बाद फिर बैक जाएंगे, यहाँ राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे जाएंगे, प्रॉपर्टी पे फिर एडवांस सिस्टम सेटिंग पे क्लिक करेंगे, और आप लास्ट में देख सकते हो एनवायरनमेंट वेरिएबल में हम पाथ पे क्लिक करके एडिट पे क्लिक करेंगे, और सिंपली यहाँ डबल क्लिक करो या तो न्यू पे क्लिक करो, और जो भी हमने कॉपी किया था उसे हम पेस्ट कर देंगे, ओके मारेंगे, ओके ओके। और हम अभी दोबारा इसे बंद करके CMD टाइप करते हैं और वहाँ लिखते हैं मोंगो। वहाँ क्या, हम यहाँ लिखेंगे मोंगो, और आप देख सकते हो कि आपका जो MongoDB का जो सेल है वो स्टार्ट हो चुका है। तो हमने क्या किया, इससे पहले ये एरर दिखा रहा था, तो हमने पहले किया क्या, लोकल डिस्क में हम गए, उसके अंदर प्रोग्राम फाइल, उसके अंदर MongoDB का फाइल, उसके अंदर सर्वर फाइल 5.0 फाइल और बिन फाइल के अंदर जो भी पाथ ऊपर आया उसको हमने कॉपी कर लिया, और हम फिर से बैक गए जहाँ लोकल डिस्क सी है, वहाँ खाली जगह पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे जाके एडवांस सिस्टम सेटिंग पे जाके इन्वायरमेंट वेरिएबल पे जाके पाथ पे क्लिक करके डबल क्लिक करके, या तो हम डबल क्लिक करें या तो यहाँ न्यू पे क्लिक करके हम यहाँ से जो हमने बिन फाइल को कॉपी किया था उसे यहाँ पेस्ट कर दें, सिंपली आपका जो एरर था वो हट जाएगा। तो इस तरह हमारा MongoDB अभी चलने लगा है, एरर अभी नहीं बता रहा है। मैं एग्जिट मार के आपको फिर से दिखाऊँगा, विंडो CMD मोंगो, तो आप देख सकते हैं एरर नहीं दिखा रहा है, डायरेक्ट वो सेल ओपन हो रहा है जहां हम अपनी क्वेरी मार सकते हैं। तो 100 DBMS, ये 3 डेटाबेस बाय डिफॉल्ट होते हैं जो कि MongoDB प्रोवाइड करता है, एडमिन, कॉन्फिग एंड लोकल। तो कुछ क्वेरी है लाइक 100 DBMS, 100 कलेक्शन, और यूज एडमिन, स्विच टू DB एडमिन, देन शो कलेक्शन, स्विच टू DB एडमिन। लाइक अभी ये जो मैंने यूज एडमिन लिखा तो ये स्विच हो गया कहाँ, एडमिन में। अभी एडमिन के अंदर कितने कलेक्शन है वो देखने के लिए मुझे शो कलेक्शन ये क्वेरी लिखना पड़ेगा, उसके बाद मैं उसके अंदर जितना भी कलेक्शन है देख सकता हूँ। लाइक अभी आप देख सकते हो कि ये system.version एक ही कलेक्शन है।
अभी पर दोबारा लिख सकता हूँ क्या? मुझे दूसरा डेटाबेस देखना है कि उसके अंदर कितना कलेक्शन है, तो मैं पहले उस डेटाबेस का नाम लिखूँगा यूज़ कन्फिग। कन्फिग एक डेटाबेस है, यूज़ कन्फिग स्विच टू कन्फिग, एंड मैं लिखूँगा क्या, शो कलेक्शन सिस्टम सेशंस। ऐसे बहुत सारे मैं आपको क्वेरी बताऊंगा। ये सिर्फ आपको कैसे डाउनलोड इंसर्ट और कैसे इसका यूज़ किया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह हम कुछ क्वेरी देख लिए हैं। मैं मोंगो सेल के ऊपर एक अलग से एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा, उसमें हम सारी क्वेरी को कवर करेंगे कि क्या क्या मोंगो के अंदर क्या क्या क्वेरी है, कैसे डेटाबेस क्रिएट किया जाता है, स्टोर किया जाता है, डिलीट किया जाता है, एडिट किया जाता है और कलेक्शन को ख़त्म किया जाता है। तो हम एग्ज़िट मार के बाहर आ जाते हैं। ये बाय लिख के आया, मैं बाहर आ गया हूँ। अभी एग्ज़िट मार के मैं CMD क्लोज़ करता हूँ। तो इस वीडियो में हमने देखा MongoDB को डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, सेटअप करना, और प्लस इसको इन्वायरमेंट वेरिएबल में अगर कोई एरर CMD में आता है मोंगो टाइप करने पे, क्योंकि मोंगो टाइप करने पे हमारा मोंगो सेल ओपन होना चाहिए, तो उसे इन्वायरमेंट वेरिएबल में कैसे ऐड करना है हमने ये भी देखा। और हमने ये भी देखा कि मोंगो के कुछ क्वेरी क्या क्या हैं, लाइक डेटाबेस को देखना, कलेक्शन को देखना, ये कुछ क्वेरी हमने देखा। और भी क्वेरी हम एक अलग से ट्यूटोरियल बनाएंगे, उसमें देखेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिसे इसकी ज़रूरत हो उसे ये मिल सके। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले न्यू अपडेट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। एंड अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।